हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम कॉन्सोनेंट एच स्टार्ट करेंगे। लेट स्टार्ट द कॉन्सोनेंट ऑफ एच। एच के कॉन्सोनेंट में क्या है? लेटर, साइन एंड नेम एंड एजेंट। ये वाला एच है। एक एच ऐसे बनता है, एक एच ऐसे बनता है। एक है नीचे साइड बनेगा, एक बार ऊपर ही। ये दोनों सेम है, नेम हे। और एजेंट में क्या क्या वर्ड बनता है? ही, हाई, हे। हे में हॉप, हैप्पी और हेड। फॉर एग्जाम्पल, एज इज ओनली कॉन्सोनेंट के और जी। अगर के और जी तो नीचे जाएगा और बाकी बाकी ऊपर जाएगी। क्लियर है सबको? कि एक्सेप्ट के एंड जी सारे डाउनवर्ड जाएंगे, सॉरी के एंड जी के अलावा सारे अपवर्ड जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही। एच के बाद ई का वोवल ही, ये कट दी लाइन है। हे में ए का वोवल ऑन, ए ऑन दी लाइन है। हाई, हाई ऑन अबव दी लाइन। हेक, अब हम हाई तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, हाई ऊपर की साइड। हम एक प्रॉपर स्टॉक बनाने हैं, देखो प्रॉपर स्टॉक, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, कोई को गलत ना बोल पाए। एक कमिटमेंट करना है हमें, बिल्कुल कमिटमेंट। क्या है? बिल्कुल प्रॉपर स्टॉक, जिस तरह स्टॉक बनना चाहिए हमें उस तरह बनाना है। अब ये है, ये हमारा, अगर हमने किसी एग्जाम में लिख दिया ये वाला स्ट्रोक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाला सही होगा। हाई, आई का वो वाला आएगा। वैसे ही हेक, हेक में अगर हमने ऐसा लिख दिया इसको, एच और के, तो क्यों वो लगा दिया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ये राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि इसमें के और जी हमारा डाउनवर्ड जाएगा। तो ये एच के बाद, एच के बाद कुछ भी अगर के आ जाए और जी आ जाए तो इसके साथ साथ ही चलेगा डाउनवर्ड, तो एक आओ बुलाएगा। क्लियर है सबको? उसके बाद जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, 12 वोवल फोर देते हैं, कि हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लियर है। और एच इज ज्वाइन कौन सा? एच को ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग करना बताऊंगी मैं आपको, ज्वाइन कैसे करना है एच का। हाईली, एच आई का वो वाला है, हाईली एच का वो वाला, आई का वाला आएगा, एल का वाई का ऊपर ये साइड जाएगा, एल वाई ली। और हायर में एच का वाला आर नीचे जाएगा। क्लियर है? आई वे में एच का वो वाला, आई का वो वाला आएगा, उसके बाद वे, वे में ए का वो वाला। हेरिक में हे नीचे आएगा, उसके बाद आर और के। हे के बाद ए का वो वाला आएगा, आर में आई के से पहले आर आई का वो वाला आएगा। क्लियर है सबको? देखिए, एच जो मैंने आपको पहले करवाया था, इससे पहले और थोड़ी डाउनवर्ड, वो उसमें डाउनवर्ड एच जाना था, मैंने बाय मिस्टेक एच जॉइन लिख दिया था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें एच एंड ऑल्सो इज द डेरिवेटिव ऑफ वर्ड रिटन विद द एच डाउनवर्ड, एच डाउनवर्ड जाएगा उसमें। जैसे हाईली, हाईली में ऊपर जाएगा, हायर हायर में नीचे जाएगा, एच नीचे जाएगा, एच ऊपर नहीं जाएगा, एच सब में हाईली ऐसा गया। हाई और ली, हाई और अर, हायर, हाई वे, हे रिक। क्लियर है सबको? अब उसमें है, यूज द अपवर्ड फॉर्म व्हेन एच इज जॉइंट टू अदर कॉन्सोनेंट्स।
जो अपवर्ड फॉर्म है व्हेन एच इज एच को हम कैसे ज्वाइन कर रहे हैं कॉन्सोनेंट्स को. फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. हैप्पी एच एच के बाद ए का वोवल, पी के बाद वाई का वोवल, हैप्पी ये अपवर्ड जाएंगे. होप होप में ओ का वोवल के बाद पी, होप ये ऊपर की साइड जाएंगे सारे के सारे. हेड एच के बाद ए का वोवल के बाद डी, होटल में एच के बाद ओ का वोवल, टी के बाद ई का वोवल, इसके बाद एल. उसके बाद फ्रेजेस है हमारे पी से, जो हमारे पी से फ्रेजेस बन सकते हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे, रहे तो सारे सेम के, बट शॉर्ट फॉर्म्स फ्रेजेस इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा. कहीं भी जाइन नहीं गा सकती है, ऐसे प्रैक्टिस करिए कि फटाफट वहाँ लिखी जाए. फ्रेजेस में क्या है, आई होप, आई होप होप, आई होप यू विल, आई होप यू विल, आई होप यू आर, आई होप यू आर, वी होप यू विल, वी होप यू विल. क्लियर है सबको? इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, मेरे को समझाने से आपको रटेगा नहीं. उसके बाद इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में ही कैसे लिखेंगे, ही ऐसे लिखा जाएगा, अदर केसेस में ही ऐसे लिखेंगे. क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल इफ ही मैंने भी आपको बताया ना, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे लिखा जाएगा ही में. ही ऐसे लिखा गया ना इफ के जॉइनिंग में, इफ के साथ ही. ई का वोवल लगेगा इफ ही शुड ही ई का वोवल लगेगा. बट ही विल, बट बट ऐसे लिखा जाएगा. अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा. मैंने आपको बहुत कोशिश करी कि आपको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ, जितना एफर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ उतना एफर्ट आप भी मुझे दिखाइए, तभी मजा आएगा स्टैनो पढ़ने में. ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टैनो, अगर इसको इंटरेस्ट लेके समझोगे तो बहुत मजा आएगा. अगर इसको बोर लेके समझोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ. ये बिल्कुल भी बोरिंग जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वो इस तरह से आपको बहुत बहुत इंटरेस्ट आएगा स्टैनो के अंदर. क्लियर है गाइज? आप हमारी वीडियो देख लेते हैं प्लीज़. अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है गाइस? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो.